कर्नाटक में हो गया खेल, जेडीएस ने मिलाया कांग्रेस से हाथ। दो सीटों से जेडीएस उम्मीदवार ने नामांकन लिया वापस। जेडीएस का समर्थन मिलने से मुश्किल में बीजेपी। जेडीएस नेता कुमार स्वामी दावा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, उस पार्टी से हाथ भी नहीं मिलाएंगे। कांग्रेस से जब भी जेडीएस ने हाथ मिलाया है, मजबूती हाथ को मिली है, जेडीएस कमजोर हुआ है। पहले जो गलतियां हो चुकी हैं उन्हें दोहराया नहीं जाएगा। 2018 में भी जेडीएस कांग्रेस के साथ जाने को तैयार नहीं थी। जेडीएस कांग्रेस के पास गई ही नहीं थी, वो हमारे पास आ गई। कांग्रेस से बड़ी पार्टी होने के बावजूद जेडीएस को सीधे सीधे सीएम पद का ऑफर किया था, जिसके बाद गठबंधन की सरकार बनी थी और 15 महीने चली। गठबंधन सरकार में भी जेडीएस का नुकसान हुआ था। वैसे कुमार स्वामी सिर्फ जेडीएस से ही दूरी बनाए रखने की बात कर रहे हैं, वो बीजेपी से भी समान दूरी बनाए हुए हैं। कुमार स्वामी ने साफ कर दिया कि कर्नाटक चुनाव में उनकी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी से समान दूरी बनाकर चलेगी। किसी का समर्थन ना तो चुनाव से पहले किया जाएगा और ना ही चुनाव के बाद किया जाएगा। जनता जेडीएस को सत्ता सौंप रही है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस बार विपक्ष में बैठे दिखाई देंगे। कुमार स्वामी लगातार कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, चुनाव प्रचार में पूरे कर्नाटक को नाप रहे हैं। क्योंकि पार्टी के पास स्टार प्रचारकों की कमी है, हर उम्मीदवार अपने क्षेत्र में कुमार स्वामी की एक सभा कराना चाहता है, इसलिए कुमार स्वामी को रोज एक दर्जन रैलियां करनी पड़ रही हैं। कुमार स्वामी पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश में जुटे हैं, उनकी नाक के नीचे खेला हो गया। जेडीएस उम्मीदवारों ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, कुमार स्वामी को बताए बिना कांग्रेस के समर्थन का ऐलान भी कर दिया। कुमार स्वामी की परेशानी तो ये है कि अब वो नया उम्मीदवार भी नहीं उतार सकते, क्योंकि चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, जिन सीटों पर जेडीएस उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया है वहां मुस्लिम समुदाय की अच्छी खासी आबादी है, इससे मुस्लिम वोटों के बढ़ने की कांग्रेस की चिंता भी खत्म हो गई। बेलगावी जिले की गोकाक सीट से जेडीएस उम्मीदवार चंदन गिंदनवर ने भी पार्टी की जानकारी के बिना अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। उन्होंने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूर्व मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता रमेश जरकीहोली के खिलाफ कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। इसके बाद जेडीएस ने पार्टी उम्मीदवार को निष्कासित कर दिया। अब यहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा सीधा मुकाबला है। अल्पसंख्यक वोट जो कांग्रेस और जेडीएस के बीच बंटने की संभावना थी, अब सबसे पुरानी पार्टी को जा सकते हैं। जरकीहोली को अब हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। डॉक्टर महिंतेश कटारी कांग्रेस उम्मीदवार हैं। गिद्दनवर पहले ही कांग्रेस को समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। गोकाक सीट में हाई वोल्टेज मुकाबला देखा जा रहा है। शिवकुमार जरकीहोली को अपने ही गढ़ में मात देने की पूरी कोशिश है। यहां लिंगायत समुदाय का दबदबा है। दूसरी ओर मंगलुरु चुनाव क्षेत्र में जेडीएस के उम्मीदवार अल्ताफ कुंपाला ने भी पार्टी की जानकारी के बिना अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। मंगलुरु सीट पर कांग्रेस पूर्व मंत्री यूटी खादर और एसडीपीआई रियाज फरंगी पेट के बीच मुकाबला है। मुस्लिम बाहुल्य सीट से जेडीएस उम्मीदवार ने नामांकन क्यों वापस लिया, इस पर पार्टी चुप्पी साधे है। लेकिन दो उम्मीदवारों के नाम वापसी के बाद जेडीएस की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे इतनी बड़ी रणनीतिक चूक हो गई। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव के दौरान अभी कई और जेडीएस नेता कांग्रेस के समर्थन में आएंगे। कांग्रेस का दावा है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस को 150 सीटों पर जीत मिलेगी, जबकि बीजेपी 50 के अंदर सिमट जाएगी। तो दूसरी ओर बीजेपी भी दावा कर रही है कि इस बार वो 130 के ऊपर जाएंगे और स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। कर्नाटक में अभी तक किसी भी चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। जब उसने सरकार बनाई तो दूसरे दल या निर्दलियों की मदद से ही सरकार बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।